I hope you all are doing great. So today we are going to start with a new chapter, chapter number 10, that is other important places in the neighborhood. Neighborhood yani kya? Hamare aas pados mein, hamare aaju baaju mein jo cheeze hote hain use kehte hain neighborhood. Now here we are talking about other important places in the neighborhood. Hamare aas paas mein important cheeze ya important places, jagah कौन सी होती है? यूजुअली ये सब चीजें हर एक के घर के आसपास लगती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है. फर्स्ट हमारे ये चैप्टर में हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है जो हमेशा या हमारे घर के आसपास होना बहुत जरूरी है और वो होता भी है. तो पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में हम लेटर्स को डिलीवर भी करते हैं और वहाँ पे लेटर्स को रिसीव भी किया जाता है. यानी अगर मुझे किसी को लेटर भेजना है तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर डालूंगी तो वो वहाँ पे सामने जिसको भी भेजना है वहाँ मिल जाएगा. या फिर मेरे लिए किसी का लेटर आया होगा तो वो भी पोस्ट ऑफिस में आया होगा, वो लोग रिसीव कर लेंगे, फिर मैं जाके वहाँ से मेरा लेटर ले लूंगी. तो ये प्रोसेस रिसीविंग और डिलीवरी का होता है पोस्ट ऑफिस में. Got it. और पोस्ट ऑफिस में और भी बहुत सारी पोस्टल स्टेशनरी, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प, एनवलप्स, ये सारी चीजें वहाँ पे बिकती हैं, हमें मिलती है अगर हमें चाहिए तो. एंड ऑल्सो फ्रॉम पोस्ट ऑफिस वी कैन सेंड मनी फ्रॉम मनी ऑर्डर. वहाँ पे आप मनी, आपको अगर किसी और स्टेट में किसी और जगह पे किसी को पैसे भेजने हैं, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मुझे मेरे मॉम डैड को काम के पैसे भेजने हैं, तो मैं मनी ऑर्डर से मनी भेज सकती हूँ. पोस्ट ऑफिस में कैसे भेज सकते हैं? मनी ऑर्डर से मनी भेजा जाता है, यानी पैसे भेजे जाते हैं. मैं यहाँ से मनी ऑर्डर करूंगी जितने रुपए, वहाँ पे उनको मनी ऑर्डर पे वो पैसे उतने मिल जाएंगे. तो वो भी एक सेफ तरीका है. और क्या होता है? पोस्ट, स्पीड पोस्ट होता है. व्हाट इज स्पीड पोस्ट? स्पीड यानी क्या? बहुत स्पीड यानी फास्ट. और पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट का मतलब होता है कि बहुत फास्ट आपका पोस्ट पहुंच जाता है. अगर आप लेटर नॉर्मल वे से भेजोगे तो सपोज समझो कि 3 दिन लग रहे हैं, तो स्पीड पोस्ट में 1-1.5 डे में पहुंच जाएगा आपका लेटर. या फिर आपका जो भी इम्पोर्टेंट पैकेज या डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो वो आपका स्पीड पोस्ट से बहुत जल्दी पहुंच जाता है. ज्यादातर लोग स्पीड पोस्ट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी उनका सामान या उनके पैसे या उनके लेटर्स पहुंच जाए. अगर उनको घाई है या उन्हें बहुत जल्दी, जगह कौन सी इंपॉर्टेंट है जो हमारे घर के आसपास होती है या होनी चाहिए? इट इज द बस स्टॉप. बस स्टॉप हमेशा होना चाहिए बिकॉज आपको कहीं भी आना जाना है तो यू कैन यूज द गवर्नमेंट और द बस. यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ बस टू गो समवेयर, राइट? और हर जगह बस डेपोज होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बसेस अवेलेबल होती हैं. बस स्टॉप्स भी होते हैं और बस डेपो पे विंडोज भी होती है. बस डेपो पे क्या होता है? टिकट विंडो होती है जहाँ पे आप टिकट ले सकते हो. और अगर डेपो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो बस के अंदर बैठते हो जहाँ पे कंडक्टर होते हैं वो भी आपको बस की टिकट देते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, या जहाँ भी आपको जाना है वो स्टॉप का आप नाम लेते हो उसकी टिकट आपको वो अवेलेबल करके दे देते हैं. कंडक्टर कौन होते हैं? जो टिकट चेक करते हैं या टिकट आपको करके देते हैं. दैट इज अ पर्सन इज इन ब्राउन कलर यूनिफॉर्म. ज्यादातर वो बस के अंदर ही बैठे होते हैं और वो बेल भी बजाते हैं स्टॉप आए और स्टॉप से निकलने के लिए, बस को वो एक साइन भी देते हैं. सो बस स्टॉप इज द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी द थर्ड थिंग इज आवर रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन क्या होता है? आप कभी ना कभी तो रेलवे स्टेशन पे कितनी बार गए होंगे, राइट? हमें दूर की, हमें पास अगर जाना है तो वी यूज बस, लेकिन हमें बहुत घंटे की मुसाफिर करनी है, जर्नी करनी है, मोर देन 2-3 आवर्स या उससे भी ज्यादा हमको करना है, तो हम ट्रेन में ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो हर जगह रेलवे स्टेशन तो अवेलेबल होते हैं जहाँ से हमें ट्रेन मिलती है, और रेलवे स्टेशन पे ही टिकट विंडो काउंटर होता है, टिकट बारी आप बोलते हैं वो होता है, राइट? तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पे आपकी टिकट बुक कर सकते हैं या टिकट आप वहाँ से लेके ट्रेन में चढ़ सकते हैं. एंड आपको वहाँ पे कौन मिलता है? टिकट चेकर, उसे हम TC भी कहते हैं. टी टिकट, सी चेकर.
टिकट चेकर मिलता है हमें, वो कहाँ होते हैं, वो ज्यादातर आपके एग्जिट, ट्रेन के एग्जिट होने पे वहाँ पे होते हैं और वो आपसे टिकट पूछते हैं। एंड वन मोर थिंग, वन मोर पर्सन इज देयर फॉर द हेल्प, आपके हेल्प के लिए और एक वहाँ पे पर्सन होता है जिसे आप कूली भी कहते हैं, बट इन इंग्लिश उसे क्या कहा जाता है, पॉर्टर, PORTER, पॉर्टर। पॉर्टर मतलब क्या, जो आपका सामान उठाने में आपको हेल्प करे, वो यूजुअली रेड शर्ट में होता है और उसके यहाँ पे आर्म्स पे नंबर वाला बैज होता है, यहाँ पे कोई भी नंबर नंबर होता है, पॉर्टर नंबर 7, 8 व्हाटएवर, यहाँ पे उसका पूरा बैज होता है नंबर का। सो ऐसे वो हेल्प करता है। हमेशा हमें ट्रेन का क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, अगर हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना है तो हाउ शुड वी गो, वी शुड यूज ब्रिज, वी शुड यूज वॉकिंग ब्रिज और द अंडरग्राउंड सबवे। हमें हमेशा सबवे यूज करना चाहिए या जो ब्रिज बना है आपको क्रॉस करने के लिए, आपको वो यूज करना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू चेंज द प्लेटफॉर्म। और फॉर लगेज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कूली और फ्रॉम पॉटर, एंड यू मस्ट ऑलवेज गो इन द ट्रेन बाय हैविंग टिकट। आपको हमेशा टिकट लेके टिकट ट्रेन में चढ़ना चाहिए, राइट? अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, सो आई होप यू ऑल हैव ऑल्सो अंडरस्टूड। सो स्टडी वेल, रीड दिस होल चैप्टर, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।